ओके कल हम लोगों ने बेसिकली अगर देखा जाए तो कलेक्शन के ऊपर देखा था, कलेक्शन का हम लोगों ने लिस्ट ऑफ सेट ही लेते क्योंकि वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वही इंट्रो के पॉइंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कल हम लोग बेसिक सीखा था क्या होता है लिस्ट, क्या होता है सेट, उनका दोनों का डिफरेंस देखा था। आज हम लोग उसके ऊपर प्रॉब्लम्स करने वाले हैं ताकि ईजी रहेगा अपने लिए। तो अपना पहला प्रॉब्लम है राइट अ प्रॉब्लम टू चेक वेदर गिवन नंबर इज इन द लिस्ट और नॉट। ठीक है, मतलब मान लो मेरे पास कोई एक लिस्ट है, यहाँ पे सेट लिखा हुआ राइट, इसकी जगह सिर्फ लिस्ट करते, यहाँ पे अरे लिस्ट। ठीक है, और मुझे देखना है कि भाई वो नंबर इस लिस्ट में है कि नहीं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं डी लिखता, ए बी सी डी, यहाँ पे डी लिखता, तो मैं क्या करूँगा देखो, मैंने आपको कल ही बताया था हाउ विल यू इटरेट अ लिस्ट। तो सिंपल होता है, इन अपना एरे की तरह ही चलता है वो, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स बेस होता है इसलिए एरे की तरह चलना पड़ता है। आई लेस देन एक्स डॉट साइज और आई प्लस प्लस राइट। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ मान लो मुझे एक नंबर है जो मैंने स्टोर किया इंट, ओके अभी ये क्या है स्ट्रिंग है राइट, स्ट्रिंग है वा है, मैंने इसमें स्टोर किया हुआ है, मुझे स्टोर किया हुआ है, मैंने एफ स्टोर किया हुआ है। तो नाउ टेल मी मेरा आंसर क्या होना चाहिए इस केस में, अगर देखा जाए तो ये वाई की वैल्यू एफ है और किसी कोई भी एलिमेंट के साथ मैच हो रही है क्या लिस्ट के, नहीं हो रही। तो इसका मतलब आउटपुट में क्या आना चाहिए, दैट फॉल्स आना चाहिए एग्जैक्टली। तो हम लोग वही करने वाले अभी, लेकिन दिक्कत क्या है पता है क्या, ये एरे की तरह चलना है जैसे मैंने बताया आपको। तो आपको हर एक एलिमेंट लेना है, चेक करना है कि भाई वो एलिमेंट इसमें है कि नहीं, ये भी कर सकते हैं और एक चीज़ें उससे भी कर सकते हैं, कोई मुझे बताएगा कैसे कर सकते हैं। ये फॉर लूप की भी जरूरत नहीं अपने को अगर देखा जाए तो, मैं आपको दोनों में से बताता, एक्स डॉट गेट यहाँ पे आई लिखता डॉट इक्वल्स वाई एस वाई एस ओ एफ इज इन दी लिस्ट एल्स इज नॉट इन दी लिस्ट। ठीक है, ट्राई करते हैं इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। ओके अभी प्रॉब्लम क्या हो पाता है, इतने इसने क्या किया चार बार लिस्ट का किया, अगर मान लो मेरे पास 10 एटम्स होते 10 बार, तो 10 बार ही लिख दिया एफ के चलेगा अपने को, ऐसा नहीं चलना चाहिए राइट। तो हमें कैसा करना पड़ेगा इस केस में, जैसे नंबर फाउंड होता है आई विल मार्क एज अ ब्रेक, लेकिन जैसे नंबर नहीं फाउंड होता तो मुझे कुछ तो लिखना पड़ेगा, तब एंड होने के बाद मुझे बताना पड़ेगा भाई अरे यार मेरा नंबर मिल गया करके। तो यहाँ पे मैं फॉल्स लिखता, मैं इसको उठाता कंट्रोल एक्स करता, यहाँ पे बूलियन फ्लैग ट्रू लिखता। अगर मेरा इस केस में अगर देखा जाए इफ बी फ्लैग, हाँ कोई तो म्यूट करेगा कोई तो प्लीज, ओके अगर यहाँ पे आप बताओगे अगर ये मेरा ट्रू है तभी हम लोग ये प्रिंट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। देखो जैसे कि इस केस में क्या आएगा, इसको रन करता बराबर अपना जो ऐप हम लोग जो ढूंढ रहे हैं अभी इस लिस्ट में मिला है क्या नहीं, तो अभी हम इसकी क्या करते हैं यहाँ पे ऐप लिखता आया क्या, आया एक मिनट एक मिनट एक सेकंड दो, बुलियन फ्लैग फॉल पे ओके इधर मुझे इसको ट्रू करना पड़ेगा, चलिए होल्ड ऑन होल्ड ऑन। ठीक है मुझे इसकी भी जरूरत नहीं अभी, देखो अभी इसको मैं फिर से रन करता, अरे आया एफ इन इन दी लिस्ट। अगर मैं इसकी जगह कोई और एलिमेंट यहाँ पे सिर्फ डी लिखता तो बताएगा नहीं ये करके, एक ही बार प्रिंट हो रहा है राइट। तो अपना ये छोटा सा कोड हुआ।
लेकिन इससे भी और एक इजी काम हो सकता है, कोई मुझे बताएगा? हम लोगों ने कल जो मेथड यूज किया, सोचे उसका कोई मेथड यूज हो सकता है? ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हुआ, नहीं लग रहा आपको? कल हम लोगों ने एक प्रोग्राम पढ़ा था, याद है क्या? कंटेंट्स नाम का, याद है? कंटेंट्स क्या करता है? एग्जैक्टली राइट, तो हम लोग लिख सकते हैं ना, इफ एक्स डॉट कंटेंट्स, दूसरा क्या है वाई, अगर एक्स में वाई है तो बताओ भाई नंबर एलिमेंट है, नहीं तो मत बताओ, देखना है कंटेंट्स है तो मुझे यहाँ पे लिखूँ एस वाई एस ओ। देखो इसको आया कि नहीं, एफ इज नॉट इन द लिस्ट, किसे डाउट है इस केस में? तब ये भी लॉजिक लगा सकते हो, तो आपका कॉल, आपको जो कंफर्टेबल लगे वो लगाओ। तो मैं और लिखता, तो अपने पास दो लॉजिक हुए। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू काउंट इवन नंबर्स इन द लिस्ट, मुझे इसमें से इवन नंबर काउंट करना है, तो टेम्पररी में क्या करता है, यहाँ पे इंटीजर नाम का मिले, यहाँ पे इंटीजर लिखता, अभी आप मुझे बताओ इसमें से इंटीजर कितने आएगा, सॉरी सॉरी इवन नंबर कौन सा आएगा? दो आएगा, टू एंड फोर आएगा, बराबर है? तो मुझे चेक करना पड़ेगा हर बार, हर हर इटरेशन, हर एक नंबर चेक करना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले तो मुझे इसको फॉर लूप को इटरेट करना पड़ेगा, इसे मैंने फॉर लूप का कोड ले लिया, बराबर है? और मुझे क्या चेक करना पड़ेगा भाई, भाई ये नंबर इवन है कि नहीं, बराबर? इवन नंबर कैसे हम चेक करते हैं रे, कोई मुझे बताएगा, हाउ वी चेक दैट नंबर इज इवन और नॉट? एग्जैक्टली, तो हम मॉड टू लेते हैं, राइट, इसको बोलते हैं मॉड टू, बोलते हैं ना, बराबर? जैसे मुझे नंबर मिलता है तो व्हाट आई विल डू, आई विल मार्क एज अ काउंट, काउंट प्लस प्लस, शायद आपको बहुत इजी रहेगा, लेकिन थोड़े आगे जाएंगे ना थोड़ा और डिफिकल्टी लेवल बढ़ने वाला है। परसेंट टू इक्वल टू इक्वल टू, अगर जीरो रहा, बराबर ना, तो ये आपको ये नंबर देगा, बेसिकली गेट है, काउंट प्लस प्लस करना, ये फॉर लूप यहाँ पे एंड होता है, यहाँ पे मैं कंट्रोल भी करता, इवन काउंट इज, आया दो काउंट हुआ कि नहीं? ओके नाउ ये अपना छोटा सा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि इसके और आरे के प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ऑलवेज रिमेम्बर, क्योंकि दोनों एक ही तरह ट्रीट करता है, बस इसके इसके कुछ ज़्यादा फीचर्स है। ओके दूसरा प्रॉब्लम क्या करना है हमें? ओके राइट, इवन प्रोग्राम हुआ, इवन काउंट, अभी नेक्स्ट करते सेम लॉजिक का करते, बस मुझे दोनों काउंट करना है, अभी इसको डिबग करके बताना है आपको किसी को, नहीं किया तो चलेगा क्या, करना पड़ेगा? हेलो ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको कॉपी कर लेता फिर प्रोग्राम को,
हर्षल प्लीज यार, ये क्या हो रहा है? होल्ड मी, लेट मी डिसेबल नेट, सॉरी एक सेकंड। ओके हम लोग कहाँ पे थे? ओके मुझे प्रॉब्लम आपको डिबग करके बताना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, एक लिस्ट बना रहे हैं। ओके उस लिस्ट में हम लोग नंबर्स डाल रहे हैं। देखो पहले तो मैंने एक लिस्ट बना दी, ये लिस्ट किस तरह से चलती है, लिस्ट कैसी चलती है पता है आपको? जो रेन रेलगाड़ी के डब्बे होते हैं ना उसी वजह से चलती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे ही नया मेंबर ऐड होता है इसके आगे एक डब्बा जोड़ जाता है, सेम लॉजिक है। जैसे ही जैसे अगर मान लो मेरे पास एक लिस्ट बनाए तो खुद उसे पता है लिस्ट बनाना है, तो क्या करेगा उसमें पहले नंबर वन ऐड कर दिया, फिर उसे पता चला दूसरा नंबर ऐड करने को क्या करता है, इसको और इसको मैप कर देता है। तो इन दोनों को मैप हुआ, ये ट्रेन हो गया। जैसे तीसरा नंबर आ गया ये तीसरा नंबर उसने मैप कर दिया, इसमें और इसमें क्या होगा ये चौथा नंबर हो जाएगा, राइट। तो अपनी ये लिस्ट बन गए, फिर शायद वो पांच नंबर डालेंगे और छह नंबर डालेंगे, राइट। ट्रैवर्स करना ईजी रहता है। जैसे अगर मान लो हम लोग ना कभी कभार ऐसा लिखते हैं राइट, एक्स डॉट रिमूव करते हैं, रिमूव करने के और स्पेसिफाई इंडेक्स भी भेजते हैं। मान लो मैंने स्पेसिफाई इंडेक्स भेजे टू, मतलब क्या होगा सेकंड इंडेक्स कौन है यहाँ पे, ये जीरो इंडेक्स हुआ, ये वन हुआ, ये सेकंड इंडेक्स, वो इसको रिमूव करना है। तो क्या करता है पता है क्या, उसको ना ये जो यहाँ पे इसको बाईपास करता है, बाईपास मतलब ऐसा होता है इसके इसमें ये टू, अरे यार इसने टू को ये कनेक्ट किया ना, तो क्या करता है पहले ऐसा था, अभी जैसे हम लोग रिमूव करते हैं ना डायरेक्टली यहाँ पे आके इसके जुड़ जाता है, तो ये होगा ना रिमूव, फिर से इसके इंडेंट से अरेंज होती है, इस वजह से चलते रहता है। तो अभी हम लोगों ने वही किया है, उसके बाद क्या होगा ये मुझे, मैंने आपको सिर्फ बताया एक्स में लिस्ट में कैसे एलिमेंट ऐड हो जाते हैं। उसके बाद मैंने काउंट नाम का एक वेरिएबल लिया, इसमें वैल्यू आ गई जीरो, ओके। फिर इसका इटरेट कर रहा हूँ, इनिशियल आई की वैल्यू क्या है जीरो, वो चेक करेगा भाई लिस्ट की साइज कितनी है, अभी चार एलिमेंट है तो चार से बड़ा है, हाँ बड़ा है। तो उसके बाद अंदर जाएगा यहाँ पे चेक है एक्स डॉट गेट ऑफ आई, आई की वैल्यू क्या है जीरो है, तो एक्स डॉट गेट जीरो, जीरो की वैल्यू क्या है ए वन वैल्यू है। तो ये चेक करेगा भाई ये वन परसेंट टू इक्वल टू जीरो है क्या, नहीं है इस केस में, क्योंकि ये इवन नंबर रिमाइंडर वन भेजते हैं, ये नहीं हुआ। फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन हो जाएगी, वन लेस देन फोर, तो सॉरी हाँ पहले ओके बराबर आई की वैल्यू क्या, अभी गेट ऑफ आई की वैल्यू वन है, मतलब इसमें ये सेकंड को इंडेक्स को मैप करेगा, तो इसकी वैल्यू टू है, तो टू परसेंट टू इक्वल टू जीरो दे रहा है, हाँ दे रहा है भाई। तो अंदर जाएगा उसने काउंट बढ़ा दिया, इसी वजह से पूरा चलता जाएगा। ओके किसी का डाउट है इस केस में? हेलो ओके और आपको ओके और आपको लिस्ट का भी समझ में आया ना कैसे होता है ये बेसिकली बैकग्राउंड में कैसे चलते रहते हैं एक्चुअली। ये इसमें ना एक एड्रेस दिया होता है, इसमें आपने शायद से वो पढ़ा होगा लिंक लिस्ट वगैरह, याद है आपको इंजीनियरिंग में भी पढ़ा होगा शायद से लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट वगैरह, ये थोड़ा इसका एक पैटर्न है। इसमें मेमोरी मैनेजमेंट अच्छा होता है, बस दिक्कत है कि इसमें मेमोरी वेस्टेज भी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसको यहाँ पे एड्रेस देना पड़ता है हर एक बार, वो थोड़ा इशू है इसका, लेकिन छोड़ दो अपने उतना उसमें सोचते नहीं अपने को। ओके नेक्स्ट प्रोग्राम क्या करना है हमें, इवन एंड ऑड और नहीं लिखना है, एंड लिखना है, मुझे मुझे इवन भी चाहिए और भी चाहिए। तब कैसे करोगे, इसी प्रोग्राम में कर सकते हो क्या आपको? तो बस क्या करना है, एक एक काम करना है बस आपको, यहाँ पे इंट काउंट लेना, यहाँ पे इवन काउंट लेता हूँ मैं, इवन काउंट, और यहाँ पे लिखता इंट ऑड काउंट,
इक्वल टू जीरो। अगर मान लो कोई नंबर परसेंट टू इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या होगा, वो इवन नंबर हो जाएगा। एल्स अगर कोई नंबर मान लो ऑड है, मतलब परसेंट टू इक्वल टू जीरो जीरो नहीं है, इसलिए इसका मतलब रिमाइंडर वन भेजता है, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा हुआ। तो आपको बस यहाँ पे काउंट डाल दो, यहाँ पे जगह ऑड आ जाएगा। होगा ये भी प्रॉब्लम छोटा सा, शायद ये भी पूछ सकते हैं आपको, समझ में सबको, किसी का डाउट है इस केस में? ठीक है ओके। अभी इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, मुझे ना दो चीजें करनी है। देखो एक लिस्ट लेते हैं, अज्यूम कर रहा मेरे पास एक लिस्ट है ओके, उसमें नंबर ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो मुझे क्या करना है पता है क्या, इस लिस्ट में ना मुझे नंबर ऐसे चाहिए, सारे इवन नंबर बगल में चाहिए, उसके बाद सारे ऑड नंबर बगल में चाहिए। कर सकते क्या हम लोग इसको, हमें ये करना है, ये मेरा इनपुट है, मेरा आउटपुट, क्वेश्चन क्या है, राइट अप प्रोग्राम। काउंट नहीं, गेट ऑल इवन नंबर्स, एट वन साइड ऑल ऑड नंबर्स, एट वन अदर साइड होते, अदर साइड ऑफ लिस्ट। ठीक है, कर सकते हैं कोई, किसे पता है कैसे करना है, कुछ कुछ आइडिया है? ठीक है, मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, पहले एक्स नाम का लिस्ट बता डिक्लेयर करूँगा, जिसमें मैं सारे एलिमेंट डाल दूँगा। ठीक है, फिर मैं वाई एग्जैक्टली वेरिएबल नहीं, लिस्ट ही लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता नहीं ना कितने नंबर से, वाई लिस्ट एक दो लिस्ट लें, एक्स लिस्ट राइट। तो इस लिस्ट में मैं सारे इवन नंबर लूंगा, इवन सारे इवन इवन लिस्ट हो गए, और मेरा ये ऑड लिस्ट होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, y एंड z को मर्ज करना है, हो गया अपना काम बराबर है। तो पहले तो मुझे अगर इवन लिस्ट और ऑड लिस्ट बनाने के लिए मुझे सेम लॉजिक लगाना पड़ेगा, अपना ये फॉर लूप वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ये वाला मैं पूरा का पूरा उठा क्योंकि मुझे लगेगा ही है, इसमें थोड़े से चेंजेस करेंगे हम लोग। इसमें जैसे मैंने बताया पांच छह सात आठ ओके, जैसे मैंने बताया मुझे और एक डिक्लेयर एम्प्टी लिस्ट करनी पड़ेगी, इंटीजर यहाँ पे लिखता मैं इवन लिस्ट लिखता, तो पढ़ने के लिए बेटर रहेगा, और इसको लिखता मैं ऑड लिस्ट लिखता ओके। जैसे कोई भी नंबर यहाँ पे है तो उसको मैं क्या करूँगा, डॉट ऐड करूँगा बराबर, उसमें मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा रे, वो एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा। एलिमेंट हम लोग कैसे ऐड करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x डॉट गेट ऑफ i, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में,
ये बताएगा आपको कौन सा नंबर ऐड करना है, क्योंकि ये रिटर्न क्या करता है, वो नंबर एलिमेंट करता है ना। तो ये आपका इवन है ऑड नंबर बताए, समझ नहीं आ रहा ना, राइट। तो सेम लॉजिक आपको यहाँ पे लिखना है, बस इसकी जगह और डालना है। हो गए, मतलब मेरे दो लिस्ट बन गए। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लिस्ट को मैं क्या करता, टेम्पररी ना एक्स डॉट क्लियर करता, क्योंकि मुझे मैं इसके सारे लिस्ट क्लियर करता, मुझे मतलब क्या होगा इसके सारे एलिमेंट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्स डॉट मर्ज कुछ है क्या रे, ओके मर्ज करके कोई है क्या, नहीं है, ठीक है। ऐड ऑल है क्या, नहीं, मैं लेकिन ऐड ऑल नहीं कर सकता, प्रॉब्लम वो है, तो क्लियर नहीं कर सकता मैं इसको टेम्पर होल्ड। मैं क्या करता, मुझे जैसे पहले एक्स इवन था ना, इवन इवन लिस्ट डॉट ऐड ऑल, दूसरी लिस्ट भेजता मैं ऑड लिस्ट, तो इससे क्या होगा आपकी इवन लिस्ट में ऐड लिस्ट और हो जाएगी। उसके बाद क्या करता मैं एक्स एक्स डॉट क्लियर करते क्या होता देखते, एक्स इक्वल टू इवन लिस्ट, ठीक है। ये वाला ट्राई करते हैं, पहले इसको डिबग करते हैं, अब तक लेके आता है चार मिनट गलती के, होल्ड ऑन होल्ड ऑन, एस ओ एस ओ एक्स आए क्या, देखो रे सारे इवन नंबर एक तरफ पे आए, सारे ऑड नंबर एक तरफ पे आए, बड़ा वही लॉजिक था अपना। इससे डाउट है इस केस में, अभी मैं आपको बताता कैसे रन करना, कैसे होता ये, ठीक है। तो मान लो अभी मेरे पास एक लिस्ट है और इस लिस्ट के ये सारे एलिमेंट मैंने भर दिए उस लिस्ट में, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता अभी ये वाला कोड को, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक्स लिस्ट है, एक्स लिस्ट है, उसमें अपना नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 लिस्ट है और 8 भी, तो अंदर आएगा मैंने इवन लिस्ट बना दी, ये जो एम्प्टी है मैंने ऑड लिस्ट भी बना दी, ये जो एम्प्टी है, राइट। जैसे मैं फॉर लूप इटरेट कर रहा हूँ, कौन सा मेरा जो ओरिजिनल लिस्ट है उसको मैं इटरेट कर रहा हूँ, ओके इसको इटरेट करो। तो पहला नंबर क्या आएगा, 1 आएगा, विच इज ऑड नंबर, ऑड नंबर आएगा तो यहाँ पे परसेंट टू करो इक्वल टू इक्वल टू, कंडीशन फेल हो जाएगी, तो ये ऑड डिश में जाएगा, आपका ऑड डिश में ये बन गया। फिर यहाँ पे आएगा, उसे पता चला आई बढ़ाना है, आई की वैल्यू क्या हो जाएगा अभी इस केस में 1 हो जाएगा, 1 मतलब ये इसको मैप करेगा फर्स्ट इंडेक्स को, इसकी वैल्यू क्या है 2 है, वो चेक करे 2% 2 कंडीशन 2 हो रहा है, हाँ कंडीशन 2 हो रहा है, तो ये किस में ऐड होगा, ईवन लिस्ट में ऐड होगा, तो इसमें 2 हुआ। फिर आपकी आई की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 मतलब इसको वो मैप करेगा, मतलब आपका नंबर 3 मिलेगा, वो चेक करे 3 नंबर इवन है कि ऑड है, वो ऑड नंबर है तो ऑड में ये जाएगा, तो इसी वजह से आपके सारे के सारे ऑड नंबर इसी में जाएंगे, इसी वजह से सारे आपके इवन नंबर एक तरफ पे आ जाएंगे। जैसे हम लोगों ने लॉजिक देखा था उसमें क्या था, पहले इवन नंबर आना चाहिए था फिर ऑड नंबर आना चाहिए था, इवन नंबर आना चाहिए था कहा गया अपना, पहले इवन नंबर आना चाहिए फिर ऑड नंबर आना चाहिए था, इसीलिए मैंने क्या किया पहले मर्ज किए, इवन लिस्ट में ऑड नंबर मर्ज किए, तो मेरा नंबर ऐसे बने पहले 2 4 6 8 1 3 5 7, और मुझे क्या करना था यही नंबर इस एक्स जो एक्स लिस्ट है उसमें डालने थे एक्चुअली, बरा ना। इसीलिए मैंने क्या किया इसको क्लियर किया, हाँ मीटिंग फिर से ज्वाइन करना है, इसीलिए मैंने इसको क्लियर किया, क्लियर किया मतलब इसके सारे एलिमेंट निकल गया अभी कुछ भी नहीं रहा। और मैंने क्या किया फिर जो मेरे ये जो लिस्ट है इवन लिस्ट जो नई लिस्ट थी इसमें सारे नंबर आएंगे, मैंने सिर्फ ये नंबर इसको मैप कर दिया, इसीलिए इज इक्वल टू मतलब इसके सारे एलिमेंट एक्स एक्स के नाम के लिस्ट में कॉपी हो जाएंगे, ठीक है समझ आया सबको। और फिर मैंने इसको प्रिंट किया, किसी डाउट है इस केस में, तो दर ऑड आर ऑड डॉट आर एग्जैक्टली वैसे करना पड़ेगा, ठीक है ओके।
ओके, मैं इसको कॉपी कर लेता फिर, तब तक हम लोग ये लेते हैं। बिटिंग ज्वाइन कर लो बस। तो क्वेश्चन लिखता हमें, क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं? क्वेश्चन क्या ले सकते हैं अभी? ओके क्वेश्चन लेते हैं, राइट अ प्रोग्राम। टू कंपेयर दी टू लिस्ट, हमें क्या करना है, दो लिस्ट को कंपेयर करना है, राइट। एंड एक काम करते हैं, मर्ज करना है, हाँ और क्या करना है, ओके कंपेयर टू लिस्ट, नहीं मर्ज टू लिस्ट, टू मर्ज टू लिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग है तो लगेगा। मर्ज मतलब अपना ऐड ऑल वाला कर सकते हैं, नहीं कि ऐड वाला नहीं करना है। मान लो मेरे पास एक लिस्ट है, उसमें ये नंबर थे, दूसरे लिस्ट है मान लो मेरे पास उसके नंबर थे 4, 5, 6, 7, राइट। आपकी जो लेटेस्ट लिस्ट नया लिस्ट जो बनेगा, दैट शुड बी लाइक दिस वन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आपको समझ आया मैंने क्या किया? जो भी डुप्लीकेट नंबर आ रहे हैं, देखो इसमें भी 4, 5 है, एक ही बार आना चाहिए, राइट। कर सकते हैं हम लोग, तो मान लो मेरे पास एक लिस्ट है 1, 2, 3, 4, 5 लिखता, और इसमें जैसे कि मैंने बताया दूसरी लिस्ट है, इसका नाम वाई देता, यहाँ पर मैं लिखता वाई वाई वाई, इसमें और दो चीज़ें ऐड कर देता, ये दोनों में लिखता मैंने वाई, दोनों में लिखा, समझे मैंने क्या किया, दो लिस्ट बने मेरे। अभी मुझे क्या चाहिए, एक एम्प्टी लिस्ट चाहिए था, नया लिस्ट चाहिए था, यहाँ पे मैं इसका नाम देता मर्ज लिस्ट, राइट मर्ज लिस्ट किया। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई मुझे बताएगा? इसको लॉजिक समझ आता है, मर्ज लिस्ट किया, तो पहले तो मैं क्या करूँगा, जस्ट इमेजिन करो, पहले तो मैं क्या करूँगा, इसके सारे एलिमेंट्स में डायरेक्टली इसमें डाल सकता हूँ, तो मेरा 1, 2, 3, 4 बन जाएगा पूरा का पूरा एलिमेंट पहला वाला, बराबर। मतलब लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था, देखो ये वाला, ये क्या करेगा रे, एक्स इक्वल टू इवन लिस्ट हम लोग लास्ट किया था, तो इवन लिस्ट के जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे एक्स में कॉपी हो जाएंगे, तो वही मैं करने वाला। तो मैंने मर्ज लिस्ट के सारे के एलिमेंट में कितने कॉपी हो जाएंगे मेरे, एक्स में कॉपी हो जाएंगे, सॉरी बराबर है। अभी मैं क्या करूँगा, मैं वाई लिस्ट को इटरेट करूँगा, मैं क्यों करूँगा मैं भी सब बताता हूँ आपको, आप इसको अलग वैसे भी कर सकते हो, लेकिन वो भी चलेगा ये भी चलेगा, लेकिन ये थोड़ा इजी वे रहेगा। अभी इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इफ वो नंबर उस मर्ज लिस्ट में डालने से पहले बस आपको एक बार चेक करना पड़ेगा भाई वो नंबर उसमें है क्या, डॉट कंटेंस, याद है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉट कंटेंस वाई डॉट गेट ऑफ आई, अगर वो नंबर उस लिस्ट में है, यहाँ पे मैं नॉट लिखता, मतलब क्या, अगर नहीं है तो ही इसमें ऐड करो, नहीं तो ऐड मत करो, ऐड क्या किया मैंने वाई डॉट गेट ऑफ आई, हो गया मेरा प्रोग्राम, तो मैं प्रिंट करता अभी, यहाँ पे मेरा जो मर्ज लिस्ट का नाम क्या था, ये था, तो देखते हैं हम लोगों ने मर्ज हुआ है कि नहीं और इन्हीं लिमिट हुआ है कि नहीं। देखो मेरे एक ही बार कॉपी हुआ, दो बार कॉपी हुआ, अगर ये नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको दोनों वन बाय वन दिखाता, इसको डिबग मारते यहाँ पे, अभी यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, आपकी एक्स लिस्ट क्या है,
ये आपका एक्स हुआ, ये आपका वाई हुआ। देखो आपके एक्स लिस्ट के एलिमेंट देखो 1 2 3 4 5 देखे, वाई लिस्ट के एलिमेंट क्या देखे आपको 4 5 6 7 देखे। अभी हम लोग क्या करें, ये जो मर्ज लिस्ट लिखा है मैंने, इसके एलिमेंट देखो क्या है, इसके एलिमेंट कुछ है क्या, एम्प्टी है। लेकिन जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होता है क्या हो जाएंगे, जो एक्स लिस्ट मतलब क्या है, जिसमें 1 2 3 4 5 उसके सारे एलिमेंट मर्ज लिस्ट में कॉपी हो जाएंगे। देखते हैं कॉपी हुआ क्या रे, देखो कॉपी हुआ ना, राइट। अभी मैं क्या करूंगा, मेरा इतना तो काम हुआ भाई, ये तो काम होगा। अभी मुझे क्या करना है भाई, इसके से जो यूनिक नंबर है मतलब ये जो इसमें नहीं है वो ही मुझे डालना है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इस लिस्ट को इटरेट किया, अभी ये वाई लिस्ट को इटरेट किया, इसीलिए मैंने वाई डॉट साइज लिखा है। और मैंने देखा है भाई ये वाई लिस्ट के जो एलिमेंट मैं मर्ज लिस्ट में डालने वाला हूँ कि भाई ऑलरेडी एग्जिस्ट है क्या, जैसे कि पहले केस में देखा जाए तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करो कि वाई ऑफ गेट ऑफ आई क्या देगा आपको, इस केस में आई की वैल्यू 0 है, इससे फर्स्ट एलिमेंट क्या आपका 4 रहेगा। देखो वो चेक करेगा भाई ये 4 एलिमेंट उसमें है क्या, 4 है। तो ऑब्जर्व करो आप, इसमें ये लिस्ट है क्या, 4 नंबर है क्या इस लिस्ट में, हाँ है। और मैंने यहाँ पे नॉट लिखा, इसका मतलब अगर नहीं है नंबर 4 तभी ऐड करो, तो 4 नंबर है इसमें तो ऐड करेगा नहीं, और इसके अंदर जाएगा नहीं। देखो 5 के लिए भी सेम लॉजिक होगा, 5 भी इस लिस्ट में आपको है तो नहीं जाएगा। अभी यहाँ पे देखो 6 है, तो नाउ टेल मी इस मर्ज लिस्ट में 6 है क्या, नहीं है, बराबर ना, जो मर्ज लिस्ट में 6 है क्या, नहीं है, इसीलिए इसके अंदर गया उसने ऐड कर दिया। अभी आप ही देख सकते हो इस मर्ज लिस्ट में एक नंबर ऐड होगा। तो सेम लॉजिक से मैं करता हूँ तो 7 भी ऐड हो जाएगा, देखो क्योंकि इस लिस्ट में 7 था ही नहीं, और 8 यहाँ पे भी कंडीशन फेल हो जाएगी इसलिए अंदर गया 8 आ गया। ठीक है, किसी का डाउट है अभी इस केस में, और मैंने इसको प्रिंट भी किया। ठीक है, ऑल सेट है, ओके okay. अभी क्या क्या और कौन सा प्रॉब्लम ले सकते हैं लिस्ट के ऊपर, ओके राइटर प्रॉब्लम 2 प्रिंट ओनली डुप्लीकेट नंबर। ऐसा कर सकते हैं, मतलब मान लो कि मेरे पास एक लिस्ट है, फोर फाइव है, सिक्स है, सेवन है, एट है, फोर है, फाइव है। तो आप मुझे बताओ इसमें डुप्लीकेट नंबर कौन से हैं, जो दो बार फोर और फाइव, आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, फोर और फाइव आना चाहिए। तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, 4.5 आना चाहिए। ठीक है, अब इसको कैसे, ये कैसे हो सकता है, तो मुझे देखना पड़ेगा भाई वो नंबर उसके आगे कोई है क्या, ये पूरे लिस्ट में है क्या, या फिर इसको कैसे कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, या 4 5 4 5 मुझे इसमें लिस्ट में देखना है। ठीक है यार, इसको ना एक मिनट, इसको ना हैश मैप से करना पड़ेगा अपने, जो मैं कल लेने वाला हैश मैप उससे बेटर जाएगा, इससे बहुत डिफिकल्ट जाएगा। ठीक है, इसको रहने दो, इसको थोड़ी देर में कर दे, कल करते हैं सेम क्वेश्चन। ओके और कौन सा लिस्ट का है क्या, नहीं है, आई थिंक सो, या तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन राइट अ प्रोग्राम टू कॉपी और
एड ऑल वैल्यूज फ्रॉम टेबल टू अ लिस्ट, ऐसा बोलेंगे आपको। आपको इसका आपको कोड लिखना आना पड़ना चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या है, आपको सारे वैल्यू टेबल का जो कॉलम, टेबल्स कॉलम, टेबल कॉलम लिखता हूँ, मतलब टेबल का एक कॉलम है, कल हम लोगों ने लिया था राइट, ये मेरा टेबल का एक कॉलम है, इसके सारे वैल्यू आपको किसमें चाहिए, लिस्ट में चाहिए, ये कभी कभी यूज होता है इसका। तो आप इसको कैसे करोगे, तो पहले तो मेरा लॉजिक यही रहेगा बराबर, ये भी मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे नाउ आप मुझे बताओ कैसे करना पड़ेगा, मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो कॉलम है एक्सेल का जो भी डेटा है इसका सारा का सारा चाहिए डेटा, तो एज्यूम करना पड़ेगा आपको इसमें कितने नंबर रोज है, 15 रोज है, तो आपको फॉर लूप लगाना पड़ेगा, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 15। एक्सेल का भी फंक्शन होते हैं, इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, जिससे अभी कर सकते हैं रो डॉट काउंट ऐसा भी कर सकते हैं, तभी यहाँ पे मेरे पास कुछ वैल्यू नहीं है टेम्परेरी, यहाँ पे इसलिए मैं 15 लिखा मैंने आई प्लस प्लस। ओके अभी आपको क्या करना पड़ेगा इस केस में, तो बस ऐसे लिखना एक्स डॉट एड, और यहाँ पे मान लो आपका जो भी सेट। ओके मैं आपको एक दो चीज़ें बताता, पहला इसका लोकेशन अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है, A1 A2 लिखा है, इसका मतलब क्या है, कौन सा रो हुआ, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हुआ, इसका लोकेशन, इसका लोकेशन क्या हुआ रहा है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हुआ, इसका लोकेशन एग्जैक्टली कॉलम्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक फंक्शन होता है हमेशा याद रखो, हमें ऐड करना है, ऐड क्या करना है, एक्सेल का जो भी डेटा है तो उसमें एक फंक्शन होता है शीट डॉट गेट सेल। तो आपको यहाँ पे ना जैसे मैंने बताया यहाँ पे आपका आई चेंज होने वाला है लेकिन आपका कॉलम सेम रहने वाला है, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा पता है, शीट वन लिखते हैं यहाँ पे, मतलब जो शीट वन है, ये जो शीट वन है उसके 1/1 आपका कॉलम तो सेम रहेगा, जैसे इसको इटरेट करूँगा, देखो मेरे पहले आई की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि एक्सेल में काउंटिंग 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 हो जाएगा, 1,1 मतलब ये आ जाएगा, फिर आपकी आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, मतलब यहाँ पे आ गया 2,1 मतलब सेकंड और फर्स्ट कॉलम, फिर आपकी आई की वैल्यू बढ़ेगी 3 हो जाएगी, 3,1 फिर 4,1 इस वजह से चलता रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ही सारे कोड है लेकिन बहुत काम की चीज़ है। ठीक है किसी डाउट है अभी इस केस में, यहाँ पे मैं लिख देता शीट वन क्या है आपका एक्सेल शीट नेम है, इस केस में आई क्या है आपका, आई इज द रो एंड दैट वन इज आपका क्या होता है कॉलम होता है, कॉलम नंबर होता है याद रखो हमेशा। ठीक है किसी डाउट है अभी इस केस में, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड ऑल यूनिक वैल्यू, थी इम्पोर्टेंट है, फ्रॉम टेबल कॉलम टू लिस्ट, टेबल कॉलम ऐड की जगह कलेक्ट करना है, मुझे इस क्या करना है, बस मुझे यूनिक ही वैल्यू चाहिए, तो मैं कैसे करूँगा, कैसे कर सकते हैं फिर इस केस में, इसमें दो वैसे कर सकते हैं, यहाँ पे लिखता मैं टू लिस्ट लिखता, सबको सेम कंसेप्ट यूज करना है, आपको बस यहाँ पे एक चीज करना है, हमेशा एक बार उस लिस्ट में वो नंबर ऐड करने से पहले भाई वो चेक करना, इफ एक्स डॉट कंटेंट्स, अगर वो नंबर नहीं है जैसे मैंने बताया वो नंबर नहीं है तो ही ऐड करो, बराबर क्या क्या समझना है, अगर उस लिस्ट में वो नंबर नहीं है
तो ही उसमें ऐड करो, अदर ऐड ही मत करो, ये आपका लॉजिक है। किसी डाउट इस केस में, वो हमेशा पहले नंबर ऐड करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल चेक वेदर दैट नंबर इज इन द लिस्ट और नॉट। ओके, तो लिस्ट का एक देखो डॉट कंटेंट्स नाम का मेथड बहुत इंपॉर्टेंट, इसका डेटा मैनिपुलेशन के लिए बहुत यूज होता है। इसीलिए कलेक्शन अगर किसी ने पूछा तो कलेक्शन के बारे में आप बता सकते हैं, इट इज यूज फॉर डेटा मैनिपुलेशन और डेटा स्टोरिंग। आपको डेटा इजीली मैनिपुलेट हो सकता है, लेकिन अगर आप वही चीज एरे में करोगे ना तो हर बार आपको एरे पूरा ट्रैवल करना पड़ेगा एंड तक, तभी आपका काम बन जाएगा, कि जो बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, ओके, इसको और एक वे से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना हमें, मैंने बस बोला है कि कलेक्ट ऑल यूनिक वैल्यूज फ्रॉम द टेबल टेबल कॉलम, हम इसको कैसे कर सकते हैं? ओके, कोई मुझे बताएगा, हम लोगों ने सेट पढ़ा था, सेट के बारे में एक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट और लिस्ट में एक डिफरेंस बहुत बढ़िया डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है रे वो? एग्जैक्टली, तो मैं क्या कर सकता, इसकी जगह बस सेट लिखोगे तो काम बन जाएगा मेरा, सेट और यहाँ पे हैश सेट करता, बराबर। आप मुझे बताओ इस सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी क्या मुझे, हर बार चेक करने की जरूरत पड़ेगी भाई उसमें ऐड नहीं होगा तो ऐड करो, क्योंकि क्या होता है एग्जैक्टली, क्यों सेट लेते समय यूनिक वैल्यू लेता है, तो आप उसको नहीं किया तो भी चलेगा, आप डायरेक्टली इसमें ये चीज कर दो, ये बेटर रहेगा, तो आपका कॉल पूरा इसके ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर उस लिस्ट में नंबर नहीं है उस चेक ही नहीं करना, क्योंकि एक सेट की खासियत वही है, खुद ब खुद यूनिक ही नंबर ले लेता है, ये आपका काम बन जाएगा। इतना छोटा सा कोड है, यही छोटे से कोड कभी कभी पूछते हैं, हो गया आपका, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, कॉपी ऑल यूनिक वैल्यूज फ्रॉम लिस्ट, टेबल की जगह लिखते हैं फ्रॉम लिस्ट। अभी आप ये वाला कैसे करोगे, मतलब मान लो मेरे पास कोई एक लिस्ट है, कहाँ का एक आधे कोई तो लिस्ट होगा ना, ये वाला मान लो एक्स वाला, और यूनिक, और ऐसे बोल सकते हैं, और रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू, ऐसा कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी यूनिक वैल्यूज है, ये देखो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू आ रहे हैं ना, मुझे ये वैल्यू सिर्फ एक ही बार चाहिए, तो आप कैसे कर सकते इसको, तो टेम्पररी अभी ये वाला कोड में कॉपी कर रहे जगह आ रहा है, जैसे मैंने बताया मेरे पास लिस्ट होगी, उसमें मुझे एरे लिस्ट बनाना है, मुझे इसमें वो वैल्यू डालनी पड़ेंगे, यहाँ पे भी एक सिक्ता, यहाँ पे एक सिक्ता, यहाँ पे एक सिक्ता, यहाँ पे, जैसे मैंने बताया इस केस में अगर 4-5 डबल है तो मुझे एक ही बार लेना है, तो कैसे ले सकते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग दो ऑप्शन ले सकते हैं। देखो इस लिस्ट की जगह मैं यहाँ पे सेट लिखूंगा, इसको मैं वाई लिखता हूँ, सेट, वाई इक्वल टू एक्स, चलेगा नहीं चलना चाहिए, डेटा टाइप अलग राइट होगा, इसने कन्वर्ट किया, उसने कन्वर्ट क्या किया पता है, उसने एक्स को है ना लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, देखो इस पर ये करता है, देखो यहाँ पे एरर आता है, तो एरर पढ़ो क्या लिखा है, एड कास्ट टू सेट इंटीजर, मतलब हम उसको ना चेंज कर रहे हैं डिस्का डेटा फोर्सफुली, मतलब खुद ब खुद वो सेट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे एस वाई एस ओ लिखता, एस वाई एस ओ एस सॉरी वाई लिखता, तो मतलब वाई आपकी क्या है, वाई आपका सेट है जिसमें यूनिक वैल्यू आ जाएंगे, जो अपना काम था,
इसको रन करता हूँ तो आपको पता चलेगा। एक सेकंड ना, क्या हुआ देख। ओके क्लास कास्ट देखो, अभी ये कैन नॉट बी, इससे नहीं हो रहा। ठीक है चलो, ओके ना ठीक है, मैं इसको ना एडिट करता, तो अभी मुझे इसको फिर से एडिट करना पड़ेगा यार। हिंट I इक्वल टू जीरो, I लेस देन x डॉट साइज, I प्लस प्लस किया मैंने। ओके जैसे मैंने बताया मुझे इसमें लिस्ट ही लेना है, मैं लिस्ट ही लेता हूँ। ठीक है मुझे पहले चेक करना है भाई, इफ y डॉट कंटेंट्स x डॉट गेट i, अगर है देखो यहाँ पे नॉट लिखा, मतलब अगर y में ये एलिमेंट नहीं है तो ही ऐड करो। हो गया मेरा काम, यहाँ पे बस मैं लेते एस वाई एस ओ लिखता। देखो वही कर रहे हैं, मैंने एक y नाम की एक लिस्ट बनाई, एम्प्टी लिस्ट है, हम लोग चेक कर रहे हैं अगर y में x नहीं है, ये एलिमेंट नहीं है तो ये ऐड करो, अदरवाइज मत करो। प्रिंट करो, देखो मैंने यहाँ पे दो बार 4π 4π एक ही बार आया। किसी को डाउट है इस केस में अभी? ठीक है ओके, अभी नेक्स्ट लास्ट प्रॉब्लम करते हैं, राइट अ प्रॉब्लम टू प्रिंट ओनली डुप्लीकेट वैल्यू वैल्यू। जैसे मैंने बताया था इसका आउटपुट क्या आएगा, आपका आपका प्रिंट में क्या आना चाहिए, कंसोल में क्या आना चाहिए, 4.5 आना चाहिए। ठीक है तो सेम वैसे हम लोग ट्राई करते हैं, तो जैसे मैंने बताया, ओह सॉरी सीख जाएगा राइट। जैसे आप देखो मैं वाई में ऐड कर रहा हूँ, अगर इसमें ऐसा थोड़ा सा लिख देता मैं, अगर मान लो वाई में एक्स एलिमेंट है, अगर है मतलब वाई लिस्ट में है, तो मैं क्या करूँगा एस वाई एस ओ, मुझे प्रिंट करना था एक्स डॉट गेट आए, हो गया मेरा काम इतना छोटा था। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी नंबर एलिमेंट डुप्लीकेट्स है, देखो इस केस में 4π 4π दो बार है, तो आप देखो आपका आंसर 4π आएगा। अरे यार else, ओके सॉरी मैंने निकल दी else, अगर नहीं है तो मुझे ऐड करना पड़ेगा नंबर।
है क्या 4 on 5 है। देखो इस केस में ये रन कैसे होता है, तो मेरे इस लिस्ट है वो 1 by 1 ऐड हो गए, तो मेरा एक्स नाम का जो लिस्ट है इसको पूरा यहाँ पे पाओ, ये लास्ट पढ़ा मैं अपना शेड्यूल का। कल हम लोग हैश मैप करने वाले हैं, उसके बाद फिर अपना ऑटोमेशन का सेकंड पार्ट चालू होगा, जो जिससे एक्चुअली काम चालू होगा अपना ऑटोमेशन वाला। ठीक है, तो मेरा देखो इस केस में वाई नाम की लिस्ट है, मेरी वो वाई नाम की लिस्ट एम्प्टी है, करो मेरी लिस्ट है वाई नाम की, जो एक्स नाम की जो लिस्ट है उसमें ऑलरेडी नंबर्स है, कौन से नंबर्स है देखो, अगर देखा जाए तो 4 by 4 by 2 दो बार है, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसा है, 1 2 3 4 5 फिर 4 5 6 7 8 है, तो हम लोग इसको इटरेट कर रहे हैं, तो आई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0 मतलब 0 तो इंडेक्स में, तो पहले इसको लेगा वो चेक करेगा भाई ये 1 इस वाई में है क्या, यहाँ पे चेक किया वाई डॉट कंडे एक्स डॉट गेट आया है क्या, कंडीशन फेल हुआ इसे एल्स में आया, इसलिए यहाँ पे देखो वाई डॉट ऐड किया, मतलब वो नंबर ऐड हो जाएगा, वाई में 1 ऐड हुआ, फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू 1 होगी, 1 मतलब फर्स्ट इंडेक्स है, वो उसको चेक करेगा ये 2 एलिमेंट इसमें है क्या, कंडीशन फिर से फेल हुए तो ऐड हो जाएगा, 2 ऐड होगा, फिर 3 ऐड होगा, फिर 4 ऐड होगा, फिर 5 ऐड होगा, फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा, वो चेक करेगा भाई ये 4 इस वाई में है क्या रे, बराबर ना यहाँ पे 4 था है क्या रे, हे तो मेरा कंडीशन इस केस में ट्रू हो जाएगा, इसीलिए उसने सिर्फ ये नंबर प्रिंट किया, तो मेरा प्रिंट में क्या आया 4, फिर मेरा आई की वैल्यू बढ़ेगी, वो चेक करेगा 5 इस लिस्ट में है क्या रे, हाँ है भाई, फिर से कंडीशन ट्रू, यहाँ पे प्रिंट किया मैंने 5 प्रिंट किया, फिर से मेरा इंडेक्स बढ़ेगा, इसको 6 आएगा, नाउ टेल मी 6 इस लिस्ट में है क्या, नहीं है, तो ऐड हो जाएगा, 7 है ऐड हो, 8 हो ऐड हो जाएगा, इसी बेस से जब भी कोई डुप्लीकेट ऑकर हो जाएगा ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हम लोग इसको प्रिंट करें, अगर नहीं है इस लिस्ट में तो हम इस लिस्ट में ऐड कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में कभी अगर कोई ऑकर होता है डुप्लीकेट तो उस केस में वो कंपेयर कर सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं एरे लिस्ट और सेट के